और हम सबकी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से ईद मुबारक जी खैर मुबारक और अल्लाह पाक ऐसी बहुत सारी ईदें हम सबको नसीब हों और अल्लाह हो अल्ला करे की हमारी हर आने वाली ईद पे हमारे जो घर है उनमें शरीनी हो और चीनी भी हो बिजली भी चीनी हो बिजली भी हो बिजली भी हो और बस खुशहाली हो ईद वैसे कैसे गुजरती है जी ईद बिल्कुल पुराने तरह से गुजरती है सिर्फ फैमिली के साथ गुजरती है और ईद तो वैसे लोगों को मिल के आते हैं कुछ लोगों में ट्रेंड होता है कि के पहले दिन वो, वो दूसरे दिन निकल कुछ लोग मिलना ही नहीं चाहते किसी से मिलना ही नहीं चाहते और मैंने तो जब से बच्चे हुए जाहिर ईद यूके में थी तो वहां मुझे बहुत अच्छी एक बात लगती है और यहाँ पे थोड़ा सा एक एतराज़ है वहाँ पे हम बच्चों के साथ खुतिन भी ईद की नमाज के लिए जाती हैं यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है बहुत सारी मसाजिद में खातन जाती है ऐसा नहीं, हाँ। जैसा वहाँ पे है नहीं है तो वो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि ईद का नाश्ता आपका ईद में मुख्तलिफ मतलब ओबियसली बाहर मुल्कों में कोई सुमालियन होंगे कोई सूडनज़ होंगे कोई बांग्लादेश से होंगे कोई तो बड़ा अच्छा एक नाश्ता होता है मैं मिठाई की बहुत शौकीन हूँ

कैसे मनाए जाते थे पेरेंट्स के के साथ जी? Um, इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रिविलेज मुझे जिंदगी में मिला है जो माली एक आपको लग्जरी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई कमी नहीं रही लेकिन प्यार बहुत मिला मुझको वाले का मैं सबसे छोटी हूँ हाँ तीन हैं जी तो बड़ी बहन है फिर भाई हैं और मैं कुछ इतफाकन ही हादसातन ही पहुंच आई तो वो बहुत सेटल थे सारे अपनी जिंदगी में और वाले की भी बहुत मिली वाला की मतलब आप सब वेरी लाडली वाली बहुत ज्यादा लाडली जी और ओनली चाइल्ड हर भी लगता है कि हाँ, बहुत ज्यादा <laughs> बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड ब्रैट जैसा <laughs> आप कहते हैं वाले साहब की लाडली okay. वालदा की लाडली ताया की लाडली

फिर वो फ्रीजर में पाई जाती तो ये ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ लेकिन मुझे गोड्स का पता नहीं क्यों इतना ज्यादा शौक था बकरी पालना तो वैसे भी सुनत है, तो। हाँ तो हाँ है मुझे जानवरों को हैंडल करने का बचपन में अक्सर लड़कियों को शौक होता है मेहंदी लगवाने का चूड़ियाँ चढ़वाने का स्पेशली जी जी फेस्टिवल ये सारे शौक थे जी अच्छा जी मेहंदी लगाने का बिल्कुल शौक नहीं मुझे मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं और आपको लगता है की मेहंदी राश नहीं आती मेहंदी कभी लगाई नहीं जी लगाई नहीं हाँ, अच्छा ओके नहीं okay. मैंने आपने देखा यू ऑलवेज अवॉइड इट जितनी शादियां भी की उनमें भी मेहंदी नहीं लगाई <laughs> 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 तो आप ये देखे घुमा फिरा के पूछो डायरेक्ट जवाब दे दिया वाह वाह अब hmm. जो मेरी छोटी बेटी है वो कभी कभी कहती है तो वो फिर मैं उनके लिए स्ट्रगल करती हूँ वो थोड़ी सी है काफी देसी है वो तो उनको आ, लेकिन खुद नहीं कहा और चूड़ियों like हाँ, लेकिन यस टिपिकल चूड़ियाल मैं सारा वक्त बाहर ही कभी दीवारों पे कभी दरख्त चढ़ रही हूँ इस किस्म के हाँ तो कोई जो आ, नाजुक वाली हरकतें हैं जो बच्चियों को सिखाई जाती है ना वो मुझे सिखाई गई ना मैंने सीखने का शौक रखा दोस्ती भाई के साथ ज्यादा जी, 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 बड़ी बहन, हाँ जी, तो तो बड़ी बहन काफी बड़ी है भाई भी काफी बड़े है, हाँ, लेकिन वो उनके साथ ता, भी हाँ, दूसरा वो बीच में गाड़ी भी उनकी तरह चलाती हूँ किसी को मारा वारा भी आपने हमने घर में कभी देखा इस किस्म का आप यकीन करें कि मेरे वालिद साहब भी मेरे भाई भी कजन वगैरह भी जो उनकी बहुत अच्छी बात मुझे लगती है जब वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो जो जो उनका आवाज़ है है या जो लहजा है, बेटियों से से बीवी से बहनों बीवी बात करते वो भी सबसे छोटी हूँ तो वेरी हाँ। वेरी वेरी खान साहेब हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी मजेदार बातें उनसे हो रही एक छोटी सी बाद दोबारा आपके खत में हाजिर होते हैं

Uh, मेरा ये बहुत uh, पुख्ता ईमान है कि रिस्क देने वाला और जो हिफाजत करने वाला है वो अल्लाह पाक की जात है तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि बच्चे कैसे मतलब इट वॉज बहुत आसान रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये एक नेमत है मैंने उसको उसी तरह से हर लम्हे को इन्जॉय किया है आई रियली ओनली एडवाइस की जस्ट इन्जॉय जिस चीज को भी मन से करते हैं आप तो वो आसान हो जाता है बिल्कुल ठीक बात है तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन हाउ आर दे टेकिंग

ईशा तो 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 की, हाँ. you know, की नमाज पढ़ी थी तो मेरे साहबजादे आए और वो बहुत ज़रा फादर फिगर की तरह से जी जी ये चार साल पहले की बात है तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं नमाज की नीयत कर रही थी तो मेरे गद्दे पे हाथ रख के कहते हैं कि वुमन आर डिलूजनल लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बड़ी करता हूँ यानी कि तुम उन लोगों के साथ मतलब कोशिश कर रही हो या दुआ गो हो जो कि तुमको गलत समझते हैं आपको लगता है कि यहाँ पे लोग सच डाइजेस्ट नहीं कर सकते I think जी सच आ, हमारी कॉम से लोगों ने सच बोला नहीं कभी उनको सच बोलते हुए इंसान पे शक होता है क्योंकि हर दफा लोगों ने उनसे झूठ बोला है फरेब किया है तो जब लोग मेरी बात पे शक करते हैं तो मुझे बिल्कुल मैं उसको पर्सनली नहीं लेती आपको लगता नहीं कि आपने जितनी भी सच, सच बोले, बोले जितने भी सच बोले आपने बगैर कॉन्सिक्वेंस सोचे सच बोले जब भी कोई बात करती हूँ तो मैं उसको दस बार सोचती हूँ कि ये बात मैं कर रही हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो जो मैंने सच बोले इनफैक्ट मैंने तो इससे बहुत बुरा एक आउटकम सोचा था यानी कि मैं ये नहीं तवक्कु कर रही थी कि मुझे गुलाबों के गुलदस्ते आएंगे आई हैव अ वेरी क्लियर कॉन्शियंस एंड आई न्यू कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हुँ. लेकिन ऐतफे करना है करना है आई एज भी काम किया एंड देन यू केम इन द मीडिया एंड यू स्टार्टेड फिल्म पश्तो फिल्म जी जी उर्दू फिल्म जी लेकिन विद पश्तो डायलॉग और okay. उसकी वजह थी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पश्तून हम पंजाबी समझते भी हैं ठीक ठाक बोल भी लेते हैं और माशाल्लाह है। जो पंजाबी नहीं बोलनी चाहिए वो तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा <laughs> हाँ सीख ली तो है।, हाँ, है।, है तो, तो कौन ये मीडिया 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 ही सिखाता है लेकिन तुम मैंने पहली जो फिल्म बनाई तो मैं स्वाति हूँ तो मुझे लगा कि जो स्वाति कहानी है वो जब भी कोई और बयान करता है कि अगर कोई अमरीकन लिखेगा हमारे बारे में तो वो अपनी नजर से लिखेगा जानान जब 2016 में रिलीज हुई कि हम 2013-14 से उसके ऊपर काम कर रहे थे और उसमें सोच ये थी कि जिस तरह पंजाबी की बहुत सी बातें अब मेन स्ट्रीम हो गई हैं, यानी कि हम सबको पता है कि लह का क्या मतलब है हाँ। अमिताभ बच्चन की जबानी भी हम सुनते हैं फिर भंगड़ा म्यूजिक इज बिन मेन स्ट्रीम तो मेरा दिल था कि हम पश्तो भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम करें आई थिंक मुझे लगता था कि ये जो ए, है ना ये खाना पूरी जो होती है कि ये ये जी अब चौकीदार बनाएंगे और वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेगा और ये हमारा पश्तो कैरेक्टर हो गया बनाऊंगी न्यूट्रल अंपायर किसी दिन लेकिन दोबारा प्रोडक्शन की तरफ जा रही जी जी अब प्रोडक्शन और अब चूंकि लोगों ने गिला किया

तो जब मेरी वालदा ने देखा कि 16 साल की उम्र में स्क्रिप्ट इन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिख ली है फ्रेंच नॉवल की अडेप्टेशन मैंने लिखी लेकिन आप सोचिए कि उसमें कास्ट मैंने किसको किया था किसको नमन जी हाँ अरे वाहमान अच्छा इजाज को कास्ट किया